फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गजल। इस गजल के लेखक श्री फिराक गोरखपुरी जी हैं। और इस शायरी में शायर कह रहे हैं कि नौरस गूंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर गोरखपुरी जी अपनी शायरी में कह रहे हैं कि जो नौरस अर्थात नई नई कलियाँ जो खिली होती है, पूरी तरह की खिली नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने बंधन खोल रहे हैं। और उनकी जो खुशबू है उन फूलों की, वो पूरे बगीचे में अर्थात गुलशन में पूरा फैल रहा है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि जर्रा जर्रा अर्थात ज़मीन का कोना कोना सोया हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे तारे जाग रहे हैं और वो अपनी पलकें झपका रहे हैं। तो सब अर्थात रात होता है, तो शायर कह रहे हैं कि रात में पूरी सन्नाटा छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे रात का सन्नाटा अपने दुख और वेदना को प्रकट कर रहा है। और इस शायरी में जर्रा जर्रा में पुनरोक्ति अलंकार है, तथा इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि मुझे, हमें या मुझे एक और मेरी किस्मत को एक ही काम मिला है, अर्थात जो शायर हैं वो अपनी प्रेमिका से बिछड़ गए हैं, तो उसकी वजह से वो दुखी हैं अर्थात वेदना में हैं। और उनकी किस्मत, वो शायर के हिसाब से कह रहे हैं कि उनकी किस्मत भी उनसे दुखी है, कि किस बदकिस्मत इंसान की किस्मत बन गई है, इसलिए उनकी किस्मत भी उनके साथ रो रही है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अभी शायरी में शायर उन लोगों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं जो दूसरों को बदनाम करने के लिए उनकी बुराइयां करते हैं। तो उन लोगों के बारे में शायर कह रहे हैं कि जो मुझे बदनाम कर रहे हैं अर्थात जो मेरी बुराई कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सकते कि वो मेरी बुराई के साथ साथ अपनी बुराई भी कर रहे हैं, अर्थात अपनी कमजोरी का प्रदर्शन खोल रहे हैं, कर रहे हैं। ये किस्मत भी अदा करे हैं हम बदस्तूरती, ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले रहे हैं। अभी शायरी में शायर अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि मैंने तुमसे बिछड़ने के लिए की कीमत अदा की है, अर्थात अपनी प्रेमिका से बिछड़ने का दुख प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इस दर्द को पूरे होशो हवास में सहा है। और कह रहे हैं कि वैसे तो जो भी तुम्हारे दीवाने हैं, जिसने भी तुमसे प्रेम किया है, उन्होंने भी अपने दीवानेपन से और दर्द से ये कीमत चुकाई है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब इसमें शायर कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका से बिछड़ने का उन्हें भी दुख है, और वो कह रहे हैं कि मुझसे दूर रहकर उनकी प्रेमिका को भी तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ को वो समझ रहे हैं, परंतु उनकी मान सम्मान का उन्हें ख्याल है, पासे अदब अर्थात उनके मान सम्मान, उनकी प्रेमिका का मान सम्मान। तो कह रहे हैं शायर कि मुझे तुम्हारी मान सम्मान का ख्याल है, इसलिए सबसे छिपा के दर्द अर्थात सबसे छिप कर अपनी वेदना को किसी को प्रकट किए बिना मैं अपने मन में ही चुपके चुपके दर्द को सह रहा हूँ अर्थात रो रहा हूँ। फितरत का कायम है तावाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब शायर कहता है कि संसार में प्रेम और सौंदर्य के बीच संतुलन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात हुस्न और इश्क, हुस्न अर्थात सुंदरता होता है और इश्क मतलब प्रेम होता है। तो शायर कह रहे हैं कि दोनों को ही एक समान ही महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार मेरा भी स्वभाव है, जितना मैं स्वयं को खोकर अर्थात अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहे हैं कि जितना मैं अपने आप को खोकर उसे प्रेम करता हूँ, उतना ही मुझे वापस भी मिलता है, अर्थात प्रेम के आदान प्रदान में समर्पण को दर्शाया गया है। आप वो ताप अस्वर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमगा बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। सागर लोगों से कहता है कि मेरी शायरियाँ और गजल की चमक धमक, आबो ताब अस्वर का मतलब होता है चमक धमक। तो लोगों से कह रहा है कि मेरी शायरी की चमक धमक तो आप समझते हो, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षदर्शी हो अर्थात सब कुछ देख रहे हो। ये जगमग बैतों की दमक है अर्थात मेरी शायरी जो ऊपर से चमक रही है ये श्रेष्ठ है, ये इसकी श्रेष्ठता ना पूछो कि ये कैसे मैं ये सुंदर रचना किया हूँ, मतलब कैसे इसकी रचना किया हूँ। ये सब मेरे दुख और वेदना से जो आंसू बहे हैं उसी से इनकी मैंने रचना की है, अर्थात ये जो भी है ये सब आंसुओं के कारण ही है, मोती के रोले अर्थात आंसुओं की वजह से ही बन पाए हैं। अब अगली शायरी में देखते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, राग गए गर्दू पे परिस्थे बाबे गुनह जग खोले हैं। इसमें शायर कह रहे हैं कि रात के समय अर्थात रात के समय जो फरिश्ते आकाश से आए हैं उन्हें देखने के लिए देवदूत, तो लोगों के पापों का हिसाब करते हैं, तो उस समय में अंजुमने में अर्थात शराब खाने में रिंदों के अर्थात शराबियों के साथ बैठकर तुम्हें याद कर रहा होता हूँ। सदके फिराक इजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। पुनः शायर कहते हैं कि सदके फिराक अर्थात उनकी जो शायरी है, जो शायर ने शायरी लिखी है उस पर लोग फिदा हो जाते हैं अर्थात कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि मैंने ये शायरी कहाँ से सीखी है, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, मतलब यह उनकी आवाज़ भी बहुत मधुर है, उन्होंने कैसे इस शायरी की रचना की है। और लोगों को ऐसा लगता है कि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं अर्थात जो मीरा जी की गज़लें होती हैं वैसे ही शायर की गज़लें लोगों को पसंद आ रही है और उसी की तरह भाव सौंदर्य है, ऐसा लगता है जैसे मीरा की शायरी ही पढ़ी और सुनी जा रही है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, मैंने एक एक बात को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और दूसरे चैप्टर्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे YouTube वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।